नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन मुझे नीलम गुलाटे जी ने भेजा है और बताने के लिए कहा है। तो ये डिज़ाइन देखिए, इसमें 5 जालियां बनी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और प्रत्येक ये जाली पे 2 फंदे लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे 10 फंदे हुए और 2 डिज़ाइन के बीच में 1 फंदे का गैप है, यानी ये डिज़ाइन 11 के मल्टीपल फंदों में और 1 फंदा एक्स्ट्रा लिया गया है। यानी इसमें अगर 3 ट्रायंगल बने हुए हैं तो 10 ट्रायंगल ये हो गया 30 फंदे, और एक एक फंदा साइड में, यानी कि 11 के मल्टीपल फंदे और 1 फंदा एक्स्ट्रा, यानी ये 34 फंदे में ये डिज़ाइन बना हुआ है। तो यदि हम ये डिज़ाइन 3 के जालियों पे बनाते, यानी ये छोटा डिज़ाइन बनाते, तो अगर हम 3 ही जाली पे बनाते तो 1 जाली 2 फंदों पे बना है, यानी कि 6 फंदे यहाँ हो जाते, 1 फंदा ये 2 फंदों के 2 ट्रायंगल के बीच का 1 फंदा, यानी ये डिज़ाइन 7 के मल्टीपल फंदा पर प्लस 1 फंदे पर सेट होता। और यदि हम इस जाली को 6 फंदों पे बना दें, यानी हमें जितने जाली रहेंगे उतने का दूना और 1 फंदा एक्स्ट्रा, यानी कि अगर ये 6 जाली होते तो 12 फंदे हो जाते, 1 फंदा एक्स्ट्रा, यानी 13 के मल्टीपल फंदे और 1 फंदा एक्स्ट्रा, इस तरह होता। यदि 7 जाली पे बनाते तो 14 फंदा, 1 फंदा 2 ट्रायंगल के बीच का 1 फंदा, यानी ये 15 के मल्टीपल फंदों पे हो जाता और 1 फंदा एक्स्ट्रा। तो इस तरह ये डिज़ाइन सेट होगा और डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, और आप इसे किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में अप्लाई करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप शॉल बना सकते हैं, स्टॉल बना सकते हैं, आप इस डिज़ाइन को अपने मनचाहे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। मैं डिज़ाइन इसी के ऊपर से शुरू कर रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझें। तो डिज़ाइन का पहला लाइन और सामने से पहला फंदा एज स्टिच है, इसे सीधा बुन लेंगे या स्लिप कर लेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे 2 का एक किया, 1 फंदा घट गया। अब उन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। यहाँ पे हमने 2 का एक किया, 1 फंदा घटा, जाली देने से 1 फंदा बढ़ भी गया, यानी यहाँ पर बैलेंस हो गया। फिर उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को लेंगे और जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जालियाँ ये पड़ गई हैं, और पांचवी जाली को यहाँ पे हमने पहले फंदे में 2 का एक किया था, 1 फंदा यहाँ घट गया था। तो अब इसे बैलेंस करने के लिए उन अपनी ओर करेंगे और पांचवी जाली को सिर्फ 1 फंदे पे बनाएंगे। यहाँ पे हम 2 का एक नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा पांचवा जाली जब बन रहा है तो सिर्फ 1 फंदा है, और जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। तो देखिए ये 5 जाली, 1, 2, 3, 4, 5 जाली बन गया। तो और फंदा देखिए, पहला फंदा एज स्टिच है, फिर 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11 फंदे हो गए। अब इन्हीं 11 फंदों को हम वापस रिपीट करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का एक कर लेंगे। यहाँ पे हमने जाली नहीं दिया है, पहले फंदे में हमें जाली नहीं देना है, 2 का एक कर लेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए 2 का एक। पहला जाली यहाँ पे पड़ा,
फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो गायक, यहाँ पे दूसरा जाली, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए दो गायक, तीन उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए दो गायक, यहाँ पे हमारा चौथा जाली पड़ गया है। और पांचवें जाली में यहाँ पे हमने दो का एक किया है, सबसे पहले हमने दो का एक किया था, तो यहाँ पे एक फंदा घट गया है। इसको बैलेंस करने के लिए उन अपनी ओर करेंगे और अब की बार यहाँ पे दो का एक नहीं करेंगे, सिर्फ एक फंदे को जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। अब हमारे यहाँ पे देखिए 11 फंदे हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और ये 11। तो इन्हीं 11 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। पहली बार में दो फंदों को एक साथ लेना है और दो का एक करना है, और इसके बाद वाले फंदे में उन अपनी ओर कर लेना है, दो फंदों को एक साथ लेना है, जाली देते हुए सीधा। इन्हें 11 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। दो, तीन, चार और पांचवा जाली के समय एक फंदा, पांच, और पीछे से हमेशा सभी फंदे उल्टे ही बनाए जाएंगे। रॉन्ग साइड में हमेशा सभी फंदे उल्टे ही बना लिए जाएंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा है जिस स्टिच है इसे स्लिप कर लेंगे या सीधा बुन लेंगे, अगला फंदा सीधा। अब पहली लाइन में एक फंदा था, अब की हमने दो फंदा हो गया, यहाँ पे दो फंदा हो गया, और फिर वही पैटर्न दोहराएंगे, यानी दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और अब की बार दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा। अब देखिए यहाँ से ये कटना लगा, अब की चार के ऊपर सॉरी पांच के ऊपर चार जालियां ही बनेंगी, तो एक जाली हो गया, ये दो, तीन और चौथा जाली जो है वो एक फंदे पे बनेगी। और यहाँ पे हमारे पास पहले एक फंदा था, अब ये दो फंदे, और यहाँ पे हमने एक फंदे में जाली दिया, ये पांचवा फंदा सॉरी चौथा जाली है, तो उन अपनी ओर क्या एक फंदे में ऐसे जाली दे दिया, एक, फिर ये दो और ये तीन, यहाँ पे फंदे बढ़ गए। अब फिर हम अपना पैटर्न शुरू करेंगे, यानी कि दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक किया, उन अपनी ओर किया, और ये हमारा दो फंदों को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए सीधा, ये पहला जाली पड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, और चौथा जाली हमें सिंगल फंदे पे देना है, उन अपनी ओर करेंगे और एक फंदे पर, यहाँ पे हम दो नहीं लेंगे, एक फंदे को जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, फिर दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक, दो, और फिर यही पैटर्न शुरू कर देंगे, यानी दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा, फिर दो उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए सीधा। देखिए ये दो जाली पड़ गया, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए सीधा, ये तीसरी जाली और चौथी जाली हमें सिंगल फंदे पे देना है, लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे सीधा बुनेंगे, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, अब देखिए पहली बार में पांच जालियां बनी थी, उसके बाद एक, दो, तीन, चार, यानी कि अब की बार तीन जालियां पड़ेंगी, और ये बीच बीच में फंदे बढ़ते चले जाएंगे। तो पहली बार में हमने एक सीधा या एक फंदा स्लिप किया था, दूसरी बार में दो, और अब की बार तीन फंदे हो जाएंगे, यहाँ एक एक फंदा बढ़ता चला जाएगा,
और फिर वही हमारा पैटर्न चलेगा, यानी दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा। अब यह हमारा पहला जाली है और इस लाइन में हमें तीन जालियां बनाना है, तो एक बन गया ये दो, और तीसरी जाली सिंगल फंदे पे है, उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा, और उसके बाद चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार, और उसके बाद हमारा क्रम फिर शुरू हो जाएगा, दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो का एक करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो का एक करेंगे। यहाँ पे तीन जाली बनाना है, एक बन गया दो, और तीसरी जाली सिंगल फंदे पे तीन, यानी लास्ट जाली हमेशा सिंगल फंदे पे ही बनेगी। और यहाँ पे फिर हम चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार, और फिर अपना पैटर्न शुरू कर देंगे, दो को एक किया, फिर जाली देते हुए दो फंदों को एक करेंगे, फिर जाली देते हुए दो फंदों को एक करेंगे, और लास्ट जाली सिंगल फंदे पे, अंत में दो फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, तीन फंदा सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो का एक करेंगे, और अब हमें दो जाली बनाना है, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा, और दो जाली बनाना है, यानी कि दूसरी जाली हमें सिंगल फंदे पे बनाना होगा, तो ये सिंगल फंदे पे दूसरी जाली बना लिया। फिर छः फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक, फिर उन अपनी ओर करेंगे, चूँकि यहाँ पे सिर्फ दो ही जाली बनानी है तो ये लास्ट जाली है, चूँकि दो ही जाली बनानी है तो ये लास्ट जाली है, और लास्ट जाली हमेशा सिंगल फंदे पे बनाएंगे। तो इसी तरह पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और चार फंदा सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो का एक करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, चूँकि अब हमारा ये सिंगल फंदा है, मतलब सिंगल जाली है, तो सिर्फ एक फंदे को जाली देते हुए सीधा बना लेंगे, और फिर आठ फंदे सीधे, फिर आठ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक किया, एक फंदा घट गया, तो उन अपनी ओर करेंगे और अगले फंदे को जाली देते हुए सीधा। अब यहाँ पे हमारा देखिए एक दो तीन चार पाँच, ये पांचवा जाली बन गया, और इसी के साथ डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक किया, उन अपनी ओर किया और जाली देते हुए अगला फंदा सीधा, और लास्ट में चार फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बना लेंगे, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब ये हमारा ट्रायंगल देखिए कंप्लीट हो गया है। तो अगला ट्रायंगल बनाने के पहले हमें दो लाइन प्लेन बनाना होगा, यानी आगे से सीधा और पीछे से उल्टा, या तो हम फिर इन्हीं 12 फंदों को दोहराएंगे तो ये ट्रायंगल एक के ऊपर एक बनता चला जाएगा, लेकिन हमें
ऐसे बनाना है या इस बीच वाले फंदे पे बनाना है। तो नीलम जी को यहीं पे प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इस फंदे पे जाली बनी है, इस फंदे पे जाली बनी है और इसका फंदा ये है। इसके पहले देखिए 2 4 6 6 फंदे बचे हैं, यानी कि यहाँ पे 3 जालियाँ बनेंगी। तो 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे, पहली जाली हमेशा हम 2 फंदों को एक साथ ले रहे हैं और बना रहे हैं, तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का एक किया। और चूँकि 3 जाली बनेंगी, यानी कि अब ये हमारा पहला जाली है, उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे जाली देते हुए सीधा, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा। अब ये हमारा ये 2 जाली बन गया है। और तीसरा जाली यानी लास्ट जाली हमेशा हम सिंगल फंदे पे बना रहे हैं, तो उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। देखिए 3 जाली बन गया। अब फिर हम अपना डिज़ाइन शुरू कर देंगे, यानी कि अब हमें इस स्पेस पे 5-5 जालियाँ बनाना है। तो जब हम डिज़ाइन शुरू करते हैं तो 2 फंदों को एक साथ लेते हैं और 2 का एक किया। अब हमें 5 जालियाँ बनाना है, तो उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा, 2 फंदों को एक साथ लिया जाली देते हुए सीधा, 1 उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लिया जाली देते हुए सीधा, 2 उन अपनी ओर लिया किया 2 फंदों को एक साथ लिया जाली देते हुए सीधा, 3 उन अपनी ओर किया 2 फंदों को एक साथ लिया जाली देते हुए सीधा, 4 और हमें 5 जाली बनाना है, तो 5वां जाली हम सिंगल फंदे पे बनाएंगे, उन अपनी ओर किया अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। तो हमारा ये 5 जाली कंप्लीट हुआ। फिर इन्हें 11 फंदों को हम वापस दोहराएंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे जाली देते सॉरी 2 फंदों को एक साथ लेंगे 2 का एक करेंगे, फिर हम 5 जाली अपना कंप्लीट करेंगे। तो 2 फंदों को एक साथ लिया जाली देते हुए सीधा, 1 उन अपनी ओर किया 2 फंदों को एक साथ लिया जाली देते हुए सीधा, 2 उन अपनी ओर किया 2 फंदों को एक साथ लिया जाली देते हुए सीधा, 3 उन अपनी ओर किया 2 फंदों को एक साथ लिया जाली देते हुए सीधा, 4 उन अपनी ओर किया, और अब ये लास्ट जाली है इसलिए सिंगल फंदे पे उन अपनी ओर किया जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। यहाँ पे हमने 1 फंदे को लिया और लास्ट में 5 फंदे बचे हुए हैं। तो पहला फंदा 2 फंदे, फिर डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का एक किया, उन अपनी ओर किया 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए 2 का एक किया, फिर उन अपनी ओर किया 2 फंदों सॉरी लास्ट फंदा है तो जाली देते हुए सीधा। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। फिर अगली लाइन में यहाँ पे 3 जालियाँ हैं, तो अब 2 जाली बनेंगी। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का एक किया, उन अपने ओर किया 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर किया, और यहाँ पे हमें सिंगल फंदे पे जाली देना होगा। अब फिर 2 फंदे सीधे, 1 2 और फिर डिज़ाइन स्टार्ट कर देंगे, यानी 2 फंदों को एक साथ लेंगे 2 का एक किया, और फिर उन अपनी ओर करेंगे 2 फंदों को एक साथ लेंगे जाली देते हुए सीधा, 1 उन अपनी ओर किया 2 फंदों को एक साथ लिया जाली देते हुए सीधा, 2 उन अपनी ओर किया और 2 फंदों को एक साथ लिया जाली देते हुए सीधा, 3 और चूँकि इस लाइन में 4 ही जाली बनाना है तो लास्ट जाली सिंगल फंदे पर और 2 फंदा सीधा। तो इस तरह हम फिर यही पैटर्न शुरू कर देंगे 2 फंदों को। अब देखिए यहाँ पे हमारा 5 जाली है, 1 2 3 4 5, अब इसके ऊपर 4 बनेगा, तो पहला फंदा हमेशा 2 का एक कर रहे हैं। फिर अब 4 जाली पड़ेंगी, 1 2 3 और चौथा जाली सिंगल फंदे पे, फिर 2 फंदा सीधा,
फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक किया, उन अपनी ओर किया और यहाँ पे दो ही फंदे बनेंगे, तो दो तो एक फंदा जाली देते हुए सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे सीधा बनाएंगे और रॉन्ग साइड से उल्टा। तो फिर हमने पांच जाली बनाया, चार जाली बनाए यानी इसके ऊपर तीन जाली बनेगा, फिर दो जाली, फिर एक जाली, और एक ट्रायंगल कंप्लीट होने के बाद अगले ट्रायंगल को बनाने से पहले हमें दो लाइन प्लेन बनाना होगा। तो डिज़ाइन स्पष्ट हो गया होगा, डिज़ाइन कोई कठिन नहीं है। और देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, डिज़ाइन स्पष्ट हो गया होगा। तो डिज़ाइन आपके सामने है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।